और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज एसएससी सीजीएल 2019 नोटिफिकेशन, यानी कि एसएससी सीजीएल 2019 का नोटिफिकेशन एसएससी ने पब्लिश कर दिया है, जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी ने अपने कैलेंडर में कहा था कि वो 22nd ऑफ अक्टूबर को नोटिफिकेशन पब्लिश कर देंगे, एंड यू कैन सी द नोटिफिकेशन बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, आप देख सकते हो 22 अक्टूबर अभी खत्म नहीं हुआ है और आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप सभी लोग अब एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कुछ डेट्स हैं, कब कब अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ जो भी चेंजेस हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, उसके बाद हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि क्या कुछ हम जानने वाले हैं, कैसे कैसे आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो और कैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ मेरे बारे में, अगर आप अभी तक मुझे नहीं जानते हैं, तो आई हैव बीन ऑडिटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन एस फ्रॉम एंड आई वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम एसएससी सीजीएल 2016। मैंने एसएससी सीएचएसएल 2015 भी क्लियर किया हुआ है और साथ ही साथ मैं अन अकेडमी पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा आपने अगर मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक नहीं किया है, तो फेसबुक पेज का लिंक है त्रिवेदी अमन 25। पीडीएफ्स और मेरे बारे में जितनी भी नोटिफिकेशन या जो भी चीजें आती हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं डेली असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूं, अगर आप उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो amantrivedi.com पर लॉग इन कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आप ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। 6,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है एक साल का, आप कंटिन्यू करते हैं। यहां पर रेफरल कोड में अमन त्रिवेदी एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो कॉस्ट 6,000 दिख रही है, ये घट के 5,400 या उससे भी कम हो सकती है अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं। तो इसके अप्लाई करके 5,000 रुपए में ऑलमोस्ट आपको जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं 70 से ज्यादा, और साथ साथ जितने भी कोर्सेज यहाँ चलते हैं, सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। मेरे जो कोर्सेज अभी आने वाले हैं, आपका 11 नवंबर से शुरू हो रहा है कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल 2019 प्री एंड मेंस। इसके अलावा जो बैचेस चल रहे हैं, ये बैचेस जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, ये दिसंबर में शुरू होगा, ये 15 नवंबर से शुरू होगा, और साथ ही साथ बहुत सारे टीचर्स पहले से आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों ही सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद सारी क्लासेस ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी नोटिफिकेशन के बारे में, कि नोटिफिकेशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या चीजें आपको याद रखनी है और क्या कुछ पता होना चाहिए। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार कई मुझे मेल्स आ रहे थे। देखिए, अच्छा पहले एक चीज ये बता देता हूँ, आप में से अगर किसी को भी मुझे कॉन्टैक्ट करना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो amann.ssc mentor, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, @gmail.com। तो कई बच्चों ने मुझे मेल किया था और बच्चों का कहना था कि सर, कई सारे सवाल थे कि सर मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो एलिजिबिलिटी के जितने भी सवाल हैं वो सारे मैं आपके अभी सॉर्ट आउट कर दूंगा। सबसे पहली चीज, सबमिशन कब से शुरू हो रहा है, 22 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगले एक महीने तक आप फॉर्म को अप्लाई भर सकते हैं। एप्लीकेशन की तारीख है 25 तारीख की आखिरी 5 बजे तक, उसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट की तारीख है 27 तारीख है यानी कि, और ऑफलाइन चालान जमा करना है तो उसका भी 27 तारीख है। अगर आपने चालान से जमा किया है तो 29 तारीख तक आप उसको फिल कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की डेट्स देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने फिर से दे दी है 2 मार्च से लेकर 11 मार्च 2020, यानी कि एग्जाम की डेट्स भी इन्होंने फिक्स रखी हैं और ये एकदम सर्टेन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और अगले साल जून तक आपका जो टीयर 2 है वो भी कमेंस हो जाएगा। ठीक, और इन्होंने टीयर 2 और टीयर 3 की डेट्स एक साथ दी हैं। तो देखो, पहली चीज अभी ये है कि अभी हम ये श्योर नहीं है मेरे हिसाब से एसएससी की टीयर 2 टीयर 3 एक साथ लेंगे या अलग अलग लेंगे। अगर एक साथ लेते हैं ये आपके लिए अच्छी बात है, आपका 2-3 महीने का समय बचेगा एटलीस्ट। तो अगर होता है तो इट विल बी अ गुड मूव। ठीक है, तो पहली चीज ये है। आगे बात करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है मैं एक एक बात आपको बताते चलता हूं। ठीक, सबसे पहली चीज है डिटेल्स ऑफ पोस्ट इन्होंने दी हुई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हो, तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। तो देखो, आप सारी ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक, पहली जो पोस्ट है वो है पे बैंड के हिसाब से अगर बात करें तो 47,600 से 1,51,100, यानी कि ये होती थी आपकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट पहले, 4800 होती थी। ठीक है, तो अभी क्या है, ये AAO की पोस्ट, यानी कि जिसे AAO कहते हैं आप, ग्रुप बी गेजेटेड है, नॉन मिनिस्टेरियल ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है, ये अच्छी पोस्ट है AAO के लिए। और दूसरी है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसे भी हम AAO कहते हैं, ये भी CAG में है, ग्रुप बी
गेजेटेड है, नॉन मिनिस्टेरियल है। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको टीयर टू में पेपर फोर को देना पड़ता है, ठीक। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है हमारी वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए जो एज दी गई है वो इन्होंने दी है 20 साल से 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ रिकॉग्निंग क्या है वो अभी हम आगे देख लेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो दूसरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको 30 ईयर्स का से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 30 साल तक की उम्र है। और पोस्ट जो है नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ये वाली पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सुटेबल है। जो एएसओ की पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, इसमें भी 20-30 ईयर्स, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए और एएफएचक्यू में, इसकी भी 20-30 ईयर्स है। इसके अलावा असिस्टेंट की पोस्ट है, यानी कि ये जो है आपकी ग्रुप 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट है, तो ये आपकी इसमें 18-30 है और इसमें 20-30 है। इसके अलावा एएसओ इन अदर मिनिस्ट्री है, ये आपका नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी की जो पोस्ट है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए भी आपको नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। मिनिमम एज नहीं दिया इन्होंने, वो शायद 18 ईयर्स होगा, क्योंकि ये 18 इसलिए होगा क्योंकि फॉर्म को भरने के लिए आपको 18 चाहिए, लेकिन इन पोस्ट के लिए आपको 20 चाहिए है। जैसे मैंने जब पहली बार फॉर्म भरा था 2015 में, तो मैं 20 का नहीं था, तो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर सो मेनी पोस्ट। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट है सीबीआईसी, इसमें भी आपका नॉट ग्रुप बी पोस्ट है आपकी, इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। ये सारी आपकी एग्जामिनर की पोस्ट हुई, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट हुई, ये सारी एक साथ आती हैं। इसके अलावा असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ईडी, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आप देखते होंगे कि अक्सर छापा वगैरह जो डालने का काम करते हैं, तो ये अप टू 30 ईयर्स यहाँ पे है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट, इसमें 20-30 ईयर्स है। इंस्पेक्टर पोस्ट ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है, जो काफी कम लोग भरते हैं, ये 18-30 ईयर्स इसमें है। और इंस्पेक्टर की पोस्ट सीबीएन, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। अब बात कर रहे हैं ये 35,400 से लेकर आपका 11,000, यानी कि ये जो पोस्ट है ऊपर वाली जो पोस्ट थी, अब एक्चुअली ये क्यों है, पे बैंड क्यों दे रहे हैं अब, क्योंकि जब से आपका पे कमीशन आया है, सेवंथ पे कमीशन आया है, उसके बाद से जो पहले हम ग्रेड पे की बात करते थे वो खत्म हो गया है। तो ये जितनी पोस्ट हैं, अगर आप पुराने लहजे में बात करेंगे तो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हैं, और अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी आती है असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री का, ये नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है, ये आपकी अदर मिनिस्ट्री, इसमें भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। डीए की पोस्ट जो काफी लोग भरते हैं, इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, इसके लिए थोड़ा सा फिजिकल देखना होता है, और इसमें नॉट अप टू 30 ईयर्स है। जेएसओ और ये दो पोस्ट हैं, इसके लिए आपको पेपर थ्री देना पड़ता है आपका टीयर टू में, तो इसमें अप टू 32 ईयर्स है और इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट के बारे में जानकारी। इसके बाद आती है आपकी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट, ठीक है। तो 2800 ग्रेड पे में आपकी ऑडिटर आ जाता है, जितने भी हैं ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट आ जाती हैं। तो ये सीएजी में है, अदर मिनिस्ट्री में है, सीजीडीए की है, और ये आपकी है, तो आप ये देख सकते हो। हाँ, ये बच्चे ने, किसी बच्चे ने मुझे मेल किया था कि बेटा इसकी सर हम 27 के हो जाएंगे तो क्या हम एलिजिबल हैं, तो आई वॉज रॉन्ग। 18-27 ही होना चाहिए आपको, 18-27 अगर आप होगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। तो अगर आप ये मेल, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लीजिए, अगर आप 18-27 के बीच में नहीं हो तो आप इन पोस्ट के बीच में के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि बाकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो अप टू 30 ईयर्स, बहुत सारी पोस्ट हैं, इनमें आपकी जो एज है वो 18-27 ही मांगी गई है, 18-17। अब जो पोस्ट आ रही है इनमें आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट आ रही है। एक आपकी है यूडीसी की, ये टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी सीबीआईसी और सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स और यूडीसी, ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है, तो ये आपकी इसके लिए भी 18-27 ईयर्स एज मांगी गई है, ठीक। तो ये तो एज वाली बात हो गई, मैंने इसमें इसलिए थोड़ा सा समय दिया क्योंकि मुझे कई मेल्स आए थे जिसमें बच्चे एज के बारे में बात कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट था ये। इसके अलावा इन्होंने डिसेबिलिटीज के बारे में जानकारी दी है, तो जो लोग इनमें फॉल करते हो वो इस कॉलम को अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद बात करें जो आपका यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल के लिए ध्यान दिया है, तो एक बात समझ लो, एसएससी में ज्यादातर पोस्ट के लिए आपको फिजिकली कोई बहुत ज्यादा मेडिकल कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे कि एक पोस्ट जेएसओ की हो गई तो आपको ध्यान देना है, अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप इनमें आप कुछ भी दिक्कत है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते।
इसी तरीके से अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको इनमें से कोई दिक्कत है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी पोस्ट के लिए कोई समस्या नहीं है। आपको थोड़ी, जैसे कई लोग मैसेज करते हैं कि सर आपके, सर मेरे टैटू है या मुझे थोड़ा सा चश्मा लगा है, मेरा थोड़ा विजन वीक है, कई लोगों का चश्मे के बाद भी विजन करेक्ट नहीं होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए ही आपको ये सब देखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी बात होती है हमारी, यहाँ पर तो इन्होंने इसके बारे में दिया है, रिजर्वेशन के बारे में दे दिया है। नेक्स्ट आपको जो सिटीजनशिप है, इंडिया, नेपाल और भूटान के हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं बिफोर 1962 जो इंडिया में सेटल हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट की बात देख लीजिए, तो एज की जो इन्होंने डेट दी है, जैसा कि आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न, तो एज लिमिट जो इन्होंने 1/1/2020, जैसा कि पहले से ही मैंने कहा था कि 1 जनवरी 2020 को ही ये डेट ऑफ रिकॉग्निंग मार्क करेंगे, तो आप देख सकते हो कि 18 से 27, मतलब अगर आप इन डेट्स के आपका इससे पहले बॉर्न हुए हो या इसके बाद बॉर्न हुए तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आप एज अपना देख सकते हो कि 1 जनवरी 2020 को आप कितने वर्ष के होगे, अगर आप जो भी आपकी एज है वो आप उस हिसाब से देख लीजिए। अगर 30 ईयर्स के अंदर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, लाइक 2800 ग्रेड पे की पोस्ट या 2400 ग्रेड पे की पोस्ट, लेकिन बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से अगर आप 27 के हैं के बाहर हैं तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे देनी है कि अगर आपका एज का जो है फैक्टर वो ध्यान देना है। लेकिन देखो, सीधी सी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप 18 से लेकर 18 to 32 तक भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आप 30 तक, तो बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए है, और 32 के लिए भी कुछ पोस्ट में है। बाकी जो है, अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी है, वो आप देख सकते हो किसको कितना है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमारा अगला जो है, ये सब तो उन्होंने बाकी चीज़ें दिया हैं, एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो देखिए 1 जनवरी 2020 को आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, ठीक है। डिजायरेबल, देखो ये बेटा लिखा है डिजायरेबल और ये लिखा है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब ये होना ही चाहिए, डिजायरेबल मतलब अगर ये होता है तो आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिजायरेबल मतलब ऐसा नहीं कि ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है कोई समस्या नहीं है। जूनियर स्टैटिस्टिकल के लिए आपको होना चाहिए कि आपके 12th में 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होने चाहिए, और अगर ये नहीं है तो स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में। ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। बाकी आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 1 जनवरी 2020 से पहले। कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पजेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2020। तो अगर आप मान लीजिए फाइनल ईयर में हो, लेकिन अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2020 के बाद आएगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप एलिजिबल तभी हो अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2020 से पहले आ जाता है, यानी कि 1 जनवरी 2020 से पहले आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो ही आप एलिजिबल हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है 1 जनवरी 2020 तक, तो आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन अगर हो गया है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, नो मैटर आपके कितने परसेंटेज हैं, क्योंकि परसेंटेज को लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओके। अगली बात पर आते हैं, देखिए, अब देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इट इज रिइटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। अगर आपका इस तारीख तक डेट रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे बाद में। मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सर्कुलर कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द इक्यू रिक्वायरमेंट। यानी कि जो आप कई बार होता है ना कि ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन बाय द टाइम मार्कशीट कम्स तो उसमें मार्कशीट में डेट नहीं लिखी हो, डेट जो है बाद की होती है। तो आपको मैटर क्या करेगा कि आपके मार्कशीट में जो डेट है वो 1 जनवरी 2020 से पहले पहले की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हमारा, तो ये तो आपकी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी। इसके बाद इन्होंने सेंटर की इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपका मेड मोड ऑफ एग्जामिनेशन Tier 1, Tier 2 and Tier 3 होगा। ये CBE होगा, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन होगा, ये भी ऑनलाइन होगा, ये पेन एंड पेपर मोड होगा। और Tier 4 जो है CPT होता है, डेटा एंट्री जो है कुछ पोस्ट के लिए होता है आपका। अब इन्होंने क्या दिया है, Tier 1 किसके में क्या आएगा आपको पता है, GR आता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आता है,
जीए आता है, यानी जीएस आता है आपका, क्वांट आता है, इंग्लिश आता है, ये आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये मार्क्स हैं। इसके बाद टीयर टू की बात करें तो क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा, जो 100 मार्क्स का है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और इसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। स्टैट्स और जो आपका जो पेपर फोर और पेपर थ्री है, ये होगा जेएसओ वाली पोस्ट के लिए, ये होगा डबल एओ वाली पोस्ट के लिए, जो शुरुआत में मैंने बताया था, ठीक है। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा जो पेन पेपर मोड वाला है, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें एसे और लेटर आता है, प्रेसी और एप्लीकेशन अभी तक आया नहीं है, ठीक। स्किल टेस्ट की जो बात करें, जो ये है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका बाद में टीयर फोर में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद इन्होंने आपका सिलेबस दिया हुआ है, जो कि हम लोग आपके सिलेबस जो पढ़ाते हैं तो हम आपको कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, और देख सकते हैं आपकी इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो कुछ खास नहीं होता है कि अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, मतलब कुल मिला के बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और वो पूछते कुछ भी हैं, बट हाँ ये नहीं देते हैं क्लियरली कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा टीयर टू का इंडिकेटिव सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, टीयर और इंग्लिश का यहाँ दिया है, जिसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें मेंशन की हैं कि स्पॉटिंग एरर आना चाहिए, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने, मेंटोनेम, स्पेलिंग एरर, काफ़ी टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए हैं इन्होंने, ठीक। बाकी जो लोग जो देखो यहाँ तक का तो जो सिलेबस है वो वाइडली नोन है, सभी जानते हैं, लेकिन मैं कहूँगा जो लोग पेपर थ्री या पेपर फोर की तैयारी करते हैं ना, वो लोग इन सिलेबस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो उतना फेमस है नहीं, तो आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने को नहीं पढ़ना नहीं है, आपको जो यहाँ बताया जा रहा आपको वही पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद डाटा एंट्री टेस्ट जो होता है, उसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए, कुल मिला के 27 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड वो मांगते हैं, और जो है आपका स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, इस तरीके से इन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो बस आपको कुल मिला कि हाँ, अब देखो इन्होंने ये बात इन्होंने बहुत बाद में दी है इस बार कि सीपीटी किस किस पोस्ट के लिए होगा। देखो सीपीटी सारी पोस्ट के लिए नहीं होता है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग होगा, स्प्रेडशीट होता है, स्लाइड यानी पीपीटी होता है। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, एएसओ इन सीएसएस, एमईए, एएफएचक्यू एंड असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जीएसआई, माइंस, इन सब पोस्ट के लिए, एएसओ के लिए है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, सेंट्रल एक्साइज के लिए है, एग्जामिनर के लिए है, इन सभी पोस्ट के लिए सीपीटी इंपॉर्टेंट है। और जो है आपका ये आपका इन्होंने बोल दिया है, और जो डीईएसटी है वो सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका सीबीडीटी में टीए के लिए बस, ठीक है। तो ये कुल मिला के इन्होंने बोल दिया है आपका सीबीडीटी के बारे, एक सेकंड रुकिएगा, डीईएसटी के बारे में इन्होंने शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि किस पोस्ट के लिए है, बट वो शायद वो कोरिगेंडम में बाद में मेंशन करें, क्योंकि ये मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि डीईएसटी किस पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी बात इन्होंने नहीं लिखी। वैसे जो होता है वो मैं बता दूँ, सीबीडीटी और सीबीईसी के लिए होता है आपका, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट के लिए। चलिए तो ये तो आपकी बेसिक जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो इन पोस्ट के लिए आपको देखने पड़ेंगे थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा आपको किसी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखना है। सेंट्रल एक्साइज के लिए ध्यान दे दीजिएगा इन तीनों पोस्ट के लिए, बाकी आपका जो फिजिकल होता है कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है एसएससी में। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ओवर परेशान होने की इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा फिजिकल होता है, वो सब में आपका मैनेज हो जाता है, तो कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं होती है, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मान लीजिए एलिजिबल होते हो, अगर आप में से कोई भी ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, तो बेटा मेरा कोई मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप लोग ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई जरूर करना, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो लोग ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं बट उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं किया। रीज़न ये था कि उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। तो कोशिश मैं ये कहूँगा कि देखो मुझे भी नहीं पता कैसे बनता है, क्या होता है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग अगर पता करिएगा अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी जो भी ऑफिस वगैरह हो वहाँ पे पता कीजिएगा, अगर बन सकता है तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो क्यों ना आप उसका फ़ायदा उठाएं, अगर गवर्नमेंट ने कोई आपको फ़ायदा दिया है तो, ठीक है। तो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द कम्प्लीट एवरीथिंग। अगर आपका अभी भी कुछ सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो aman.ssc.mentor@gmail.com पर, ठीक है, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप डेली असाइनमेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो amantrivedi.com को लॉगिन करना मत भूलिएगा, वहाँ से आप डेली असाइनमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या आप इसे देख सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड, दैट इज अमन त्रिवेदी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो
अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है एंड इफ यू वांट टू टेक, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अमन त्रिवेदी. अगर आपका कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aman.ssc.mentor@gmail.com. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है क्रिटिसाइज करेंगे कि सर प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बट बेटा एक बार सोच कर देखना, अपने दिल पर हाथ रखना और सोचना कि क्या कोई कहीं ऐसा और ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 5400 में एक साल तक आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस बाय ऑल दीज एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करता हो. ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है, और इसमें साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है. ठीक है, तो रेस्ट इज अप टू यू. अगर आप अप्लाई करना, आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, दैट इज अमन त्रिवेदी, कैपिटल में AMANTRIVEDI लिखना है. और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को. मैं कोशिश करूंगा आपके साथ इस चैनल पर और सारे वीडियोज लाने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए धन्यवाद आपका. Take a, have a good day. Bye-bye. Take care and have a good day. Thank you so much.